बताओ था। अरे बतावे तो संकेतवा बतावे तो हम चेक चेकर पहले बीमारी चेक करिए। तो पलनपुर के रहने वाला है। हाँ भाई। तेरे बाप का नाम पटू किसान है। जी मालिक। तेरा नाम जितेंद्र है। हाँ। और तूने मुझे छोड़ दो क्यों? तू घूमने जा रहा है। मालिक ये सोचा कि मैं सब आपसे सच बता दूंगा तो आप मुझे बहुत मारेंगे, इसीलिए झूठ बोला मालिक। इसको मालूम नहीं कि हम लोग हैं कौन। लेकिन सोच ले। आप लोग कौन है भैया? हम चोर हैं, चमार हैं। तुमने मुझे झूठ बोला। मालिक गुस्ताखी हो गई मुझसे। गुस्ताखी माफ नहीं होगा। माफी चाहता हूँ। करना है चोरी, करना पाप है, लेकिन झूठ बोलना महापाप है। लेकिन मालिक ले लीजिए, ये मेरा पुस्तक ले लीजिए। ये हाथ में पुस्तक लेकर के तू कहाँ जा रहा था? ठाकुर साहब, ये पुस्तक लेकर मैं पढ़ाई करने जा रहा था। पढ़ाई करने जा रहा था? जी हाँ। तेरे पाप पर दिया, मेरे चरित्र का 5 साल का लगान नहीं दिया और पढ़ाई करने का जा रहा है तो जिनसे ऊपर अब तुम्हारा ऐसा नहीं करूंगा मालिक।
जमींदार के बताऊंगा कि बरसों का बेटा की जान स्कूल जा रहा है वो आपका लगान देने से इंकार है। क्या बात अगर जमींदार को पकड़ लो तो तुझे नहीं तेरे पूरे परिवार को सर्वनाश कर देंगे। आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर तेरा यही है। आखिर मेरा ऊपर इतना कौन चलाए? आखिर मैं तो सिर्फ पढ़ाई करने जा रहा था, मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा हूँ मालिक। पढ़ाई करने कहाँ जा रहा है? क्या है, क्या सोच रखा है कि तू पढ़ाई करके ठाकुरों के ऊपर हुकूमत चलाएगा? अरे कुदर के जान! नहीं ठाकुर साहब, ये मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं पढ़ाई करके इस राज्य में हुकूमत चलाऊंगा। बस थोड़ी नौकरी के लिए मैं पढ़ने जा रहा था कि कम से कम कुछ पढ़ लिख लूंगा तो किसी नौकरी के काबिल हो जाऊंगा। तुझे ये नहीं पता है कि तोता कितने भी कीमत हो जाए लेकिन उसे पैर में पहना जाता है। लेकिन मालिक ये शिकायत आप बड़े ठाकुर से मत करिए, नहीं तो वो मुझे चिंता नहीं छोड़ेंगे। मालिक कहूंगा हम तुझे और तेरे पूरे खानदान को बर्बाद करूंगा। तू कर खानदान ही बैठा है बिछोन जैसे हमार चला है। ठाकुर ने मुझे देख लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।